वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं और वो भी बहुत इजी मेथड के साथ। और मैंने आधा किलो चिकन लिया है, पहले इसे हम मैरिनेट कर लेंगे। 500 ग्राम्स चिकन है तो उसी के हिसाब से हम सारे मसाले डालेंगे। अदरक मसाला फ्रेश वाला मैं डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच जितना अदरक मसाला मैं इसमें डाल लूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच डाला है और नमक डाल लूंगी, जितना आपके टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिए। मैंने 1.5 चम्मच डाला है। 200 ग्राम्स दही लिया है जो थोड़ा सा खट्टा भी है, वो थोड़ा खट्टा दही लिया है मैंने। 4 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अगर बिरयानी में आपको मसाला अच्छे से भरपूर होना है तो आप ये ग्राइंड कर जरूर डालिए, इससे मसाला बहुत अच्छा बनता है। 4 हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा नमक डालकर इसे ग्राइंड कर लिया है, वो भी मैंने इसमें डाला है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट डाला है तो मैं लाल मिर्च थोड़ी कम डालूंगी, 1 बड़ा चम्मच मैं लाल मिर्च डालूंगी। धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, चिकन मसाला 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ मैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी बिरयानी का। ये सारे खड़े मसाले हैं, काला जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, चकला, इलायची और लौंग लिए हैं। इसमें आधे डालूंगी मैं, जब मैं पानी बॉईल के लिए रखूंगी उसमें आधे डालूंगी। थोड़ी सी जयवंत्री और इतना छोटा सा जायफल का पीस लिया है मैंने, इसे थोड़ा सा अच्छे से दरदरा कूट कर हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो बड़े साइज की प्याज मैंने अच्छे से तल लिया है, उसे डीप फ्राई कर कुरकुरी कर लिया है, इस कलर की वो हो जाए तो उसे ऑयल से निकाल लिया है। ये प्याज हमें इसमें डालना है, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और इसमें जो तला हुआ तेल बचा है हमारे पास वो आधा इसमें डालेंगे, बिल्कुल आधा डालेंगे, ज्यादा नहीं। अच्छे से हम हाथों से ऐसे मसलते हुए सारे चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ऐसे मसलना बहुत जरूरी है, इसके अंदर तक मसाला अच्छे से चला जाएगा, हमारा चिकन बहुत टेस्टी बनेगा। देखिए सारे मसाले इसमें अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसे आप 1 घंटे तक रेस्ट के लिए छोड़ना है, तो तभी हमारी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए इसे हमारा टमाटर जो मैंने ग्राइंड कर डाला था, हरी मिर्ची का पेस्ट, सारा कितना सारा मसाला हो गया है इसमें, इससे हमारी बिरयानी में बहुत मसाला बनेगा। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसे 1 घंटे के लिए ढककर मैं छोड़ दूंगी। ये बासमती राइस है, इन्हें मैं अच्छे से धोकर 2-4 पानी से धोकर इन्हें आधे घंटे तक भिगो कर रखूंगी। अच्छे से मैंने इन्हें धो लिया है, अब इसे आधे घंटे तक भिगने के लिए मैं छोड़ दूंगी, जब तक हमारा चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। 1 घंटा हो चुका है, देखिए हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसे पका लेंगे। देखिए मैंने इसमें सारा चिकन डाल लिया है और अच्छे से हम हाई फ्लेम पर इसे पका लेंगे। इसका तेल ऊपर अच्छे से आना चाहिए, तब तक हम इसे अच्छे से भूनते हुए पका लेंगे। जब तक हमारा चिकन पक रहा है तब तक हम इधर चावल को बॉईल करने के लिए पानी मैंने चढ़ा लिया है। 1 kg आप चावल लेंगे तो 3 times पानी डालेंगे, जितना चावल होता है उसका 3 हिस्से आप पानी डालेंगे। इस तरह करेंगे तो आपके चावल खुले खुले बनेंगे। मैं इसमें नमक डाल लूंगी, मैंने 1/2 kg चावल लिया है तो उसी हिसाब से मैंने पानी कम डाला है। जो ये मसाले मैंने आधे उसमें डाले थे और आधे बचा लिए थे, शाही जीरा, लवंग, इलायची, काली मिर्ची और थोड़ा सा चकला, ये इसमें डाल लूंगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है हमारे बिरयानी के चावल में। तेज पत्ता डालना भूल गई थी, 2 तेज पत्ते इसमें डाल लूंगी। चेक कर लेंगे हमारा चिकन, देखिए अच्छे से पक चुका है। हमें 100% इसे नहीं गलाना है, बस 60% गल जाए उतना ही गलाना है, और जब हम चावल डालकर दम के लिए छोड़ेंगे तो अच्छे से सारा पक जाएगा, हमें पूरा सॉफ्ट नहीं करना है चिकन को। देखिए अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी, हमें हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा डालना है और पुदीना थोड़ा कम, इतने छोटे छोटे कटिंग करके हमें हरा धनिया और पुदीना डालना है।
ये छोटा करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो इसमें गलेगा नहीं, अपनी खुशबू सारी इसमें नहीं छूटेगी। हरा धनिया और पुदीने को मैंने डाल लिया है, इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर थोड़ा सा मैं भून लूँगी। अब मैंने एक लेमन लिया था, वो इसमें डाल दूँगी, उसका जूस इसमें डाल दूँगी। देखिए हमारी बिरयानी के मसाले बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मसाला भी कितना बहुत सारा बना है। ऐसी ग्रेवी होगी तो हमारी बिरयानी मसालेदार अच्छी बनेगी। अब हम इस टाइम चेक कर लेंगे नमक कम है या हमें और डालना है, चेक कर लेंगे। देखिए हमारा पानी बॉईल हो रहा है, इसमें मैं हमारे सारे बासमती राइस जो आधा केजी मैंने लिए थे वो इसमें सारे डाल दूंगी। चावल डालकर हम एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे और ढक्कन को मूंछ कर अच्छे से बॉईल आने तक छोड़ देंगे। अब हम चेक कर लेंगे हमारे चावल अच्छे से हुए या नहीं। देखिए और थोड़ा ये हो जाए फिर डालूंगी, इसे 100% नहीं पकाऊंगी मैं, सिर्फ 80% ही पका लूंगी। और थोड़ा ये पक जाए फिर मैं एक स्ट्रेनर में इन्हें छान लूंगी। देखिए मैं और एक बार इसे चेक कर लूंगी, ये 80% हो चुके हैं। देखिए तो अब मैं इसे एक स्ट्रेनर में छान लूंगी। देखिए मैंने सारे चावल को स्ट्रेनर में ऐसे छान लिए हैं, कितने खुले खुले बने हैं। ऐसे बनेंगे तो आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। इसमें आप जो चावल बनाते हैं उसका भी नमक आप चेक कर लीजिए, मैं बोलना भूल गई थी। चलिए तो हम चिकन को चेक कर लेते हैं। हम जब भी चावल डालते हैं ये हमारा बिरयानी का जो चिकन है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, वरना हमारा जो चावल है वो पानी सारा पी लेंगे। तो हमें थोड़ा इसे ग्रेवी को ऐसे ही लूज़ लूज़ है, अगर बहुत कम पानी रखेंगे इसमें तो हमारे बिरयानी नीचे से लग जाएगी, बस इतना हमें लूज़ रखना है तो मसाला हमारा अच्छे से बनेगा। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। ऐसे ही सारे चावल मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया है अच्छे से चिकन को गर्म कर, और यहाँ पर मैं दो कलर डाल रही हूँ, येलो कलर और ऑरेंज फूड कलर, मैं दो कलर डाल रही हूँ। आप कोई भी एक कलर भी डाल सकते हैं, दो कलर से हमारी बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी प्याज हम इसके ऊपर डाल लेंगे, थोड़ा सा घी डाल लूंगी मैं, दो बड़े चम्मच घी डालूंगी, इससे हमारी बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस पर मैंने पुदीना हरा धनिया नहीं डाला है, वो ब्लैक हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने नहीं डाला है। अब इसको मैं ढक्कन से ऐसा कपड़ा लगाते हुए कवर कर दम के लिए छोड़ूंगी लो फ्लेम पर। 5 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर दम कर लेंगे। हमारा गोश्त पका हुआ है तो हमें ज़्यादा देर दम के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आधा घंटा बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब मैं इसे चेक कर लूँगी। देखिए कितनी अच्छी खुली खुली बिरयानी बनी है हमारी। मसाला इसमें बहुत ज़्यादा है। देखिए हमारी चिकन बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है, कितनी मज़ेदार बनी है और मसाला भी कितना भरपूर है इसमें। आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी बिरयानी ऐसे ही बनेगी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।